Hello everyone, we will solve the examples of the chapter Chemical Kinetics. Chemical Kinetics is the third chapter according to the revised new NCERT. So we will solve all the examples one by one and then we will move towards the intakes questions. And after that, we will be doing the NCERT exercise. Okay, so today is the turn of example number 2. Example number 2 says the decomposition of N2O5 in CCl4 at 318 Kelvin has been studied by monitoring the concentration of N2O5 in the solution. देखिए, कुछ सवाल होते हैं कहानी वाले, right? तो उन questions को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद उसमें से देखना है कि आपको क्या given है और क्या आपसे पूछा जा रहा है, right? तो यहाँ पर decomposition करवाया है N2O5 का CCl4 की presence में और हमने क्या किया है N2O5 की कॉन्सेंट्रेशन को नोट किया है. देखिए, इनिशियली द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 इज 2.33 मोल पर लीटर. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 2.33 एंड आफ्टर 184 मिनट्स इट इज रिड्यूस टू 2.08 मोल पर लीटर. द रिएक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन. तो आपको यहाँ पर दी हुई है रिएक्शन, लिख लेते हैं यहाँ पर वापस से. ट्वाइस ऑफ N2O5 gives you 4 times NO2 plus O2. ठीक, और क्या क्या गिवन है. At t equals to 0, initial concentration of N2O5 is 2.33 mole per liter. And after 184 minutes, मतलब जब आपके पास टाइम हुआ 184 minutes, the concentration of N2O5 is 2.08 मोल पर लीटर. ठीक, इतनी चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन है. आपको कैलकुलेट क्या करना है, देखिए. कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ दिस रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स. आपको निकालना है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन तीन अलग अलग यूनिट्स में आपको कैलकुलेट करके देना है, राइट. एंड व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 ड्यूरिंग दिस पीरियड. सबसे पहले तो हमें किसी भी रिएक्शन के लिए एवरेज रेट लिखना आना चाहिए. कैसे लिखते हैं, एवरेज रेट फॉर दिस रिएक्शन विल बी इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है इसलिए हम लेते हैं माइनस, माइनस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 डिवाइड बाय डेल्टा टी. और क्योंकि यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स भी हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2 इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स. वो हम कैसे लिखते हैं, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. तो इट विल बी 1/4 डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइड बाय डेल्टा टी. एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू डेल्टा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइड बाय डेल्टा. राइट, दिस इज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. अब आपको वैल्यू दी हुई है N2O5 की कॉन्सेंट्रेशन की, तो हम यहाँ से एवरेज रेट कैलकुलेट करेंगे इस वाली कॉन्सेंट्रेशन को लेकर. तो यहाँ पे लिखिए, एवरेज रेट इज इक्वल टू वैल्यूज पुट करेंगे, ये माइनस को हम बाहर ले लें, -1/2 रखिए वैल्यूज. N2O5 की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है 2.08, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2.08 माइनस 2.33 डिवाइड बाय. टाइम इंटरवल कितना होगा, 184 मिनट्स. यूनिट्स में साथ में लिखेंगे तो आपको कैलकुलेट करना आसान रहेगा. ठीक है, अब आपको इसको कैलकुलेट कर लेना है. इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, -0.25. उस -0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे बाहर और फिर सारे को कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू आ जाएगी 6.79 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट. तो देखिए, एक आंसर तो आया आपके पास ये जो है मिनट्स में, मोल पर लीटर पर मिनट. तो इसको हम कर लेते हैं बॉक्स के अंदर बंद. एक आंसर हुआ ये जो कि है मोल पर लीटर पर मिनट में. अब आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेशंस करनी है इन मिनट्स, इन आवर्स एंड इन सेकेंड्स. जब भी आपको ऐसे यूनिट्स चेंज करनी हो तो हम हमेशा यूज करते हैं यूनिट फैक्टर को.
यूनिट फैक्टर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देख लेते हैं कॉर्नर में, हमें पता है 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, राइट। तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ, 1 मिनट विल बी इक्वल टू 1/60 आवर्स। या तो आप इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं या फिर सीधे सीधे यूनिट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चेंज करेंगे इसको, 6.79 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट। आपको इस मिनट को हटाना है यहां से और इसकी जगह क्या चाहिए, या तो आर या तो सेकेंड्स। तो पहले हम आर में चेंज कर लेते हैं, राइट। तो ऊपर हमें चाहिए मिनट और नीचे चाहिए आर। अब हमें पता है 1 आवर में होते हैं 60 मिनट्स, ऐसे लिख दीजिए यहाँ पर। अब क्या करेंगे, ये मिनट से ये मिनट कैंसिल, तो कितना आंसर आएगा आपके पास, 6.79 × 60 × 10⁻⁴ यूनिट्स कितनी बची, मोल पर लीटर पर आर, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे इसको, मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 4.07 × 10⁻², मोल पर लीटर पर आर। तो एक आंसर आया आपके पास ये, इसको भी करेंगे बॉक्स के अंदर बंद। जो भी आप आंसर लिखते हैं उसको थोड़ा सा हाईलाइट करके लिख देना है ताकि पता रहे कि आपने आंसर कहाँ मेंशन किया है, ओके। अब क्या करना है, अब हमें कैलकुलेट करना है एवरेज रेट इन टर्म्स ऑफ सेकेंड। बहुत सिंपल, वापिस से लिखिए, 6.79 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट। मिनट कैंसिल करना है, कैसे करेंगे, ऊपर लिखेंगे 1 मिनट, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स, सिंपल। आप इसको मिनट से मिनट कैंसिल कर दीजिए, कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, 6.79 × 10⁻⁴ डिवाइड बाय 60, यूनिट्स क्या बची आपके पास, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको भी सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करके आंसर आएगा 1.13 × 10⁻⁵ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो एक आंसर आ गया आपके पास ये, इसको भी करेंगे बॉक्स के अंदर बंद, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट होता है, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ दिस रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ आवर्स मिनट एंड सेकेंड, डन। अब देखिए बेटा, कितनी बार क्या होता है कि जब हम ऐसे सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें लगता है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एक बार क्वेश्चन वापस से रीड कर लेना है कि क्या जो जो आपसे पूछा गया था आपने उन सबको आंसर कर दिया। क्योंकि देखिए, ये सब करने के बाद हो सकता है आप ये सेकेंड पार्ट भूल ही जाए करना, ओके। तो देखते हैं सेकेंड पार्ट क्या है, व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 ड्यूरिंग दिस पीरियड। आपको बताना है रेट ऑफ प्रोडक्शन। अगर आपको याद हो हमने लिखा है ये एवरेज रेट, राइट। एवरेज रेट में ये जो है 1/4 डेल्टा NO2 / डेल्टा T, दिस इज फॉर द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। लिख लेते हैं यहां पर, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू 1/4 डेल्टा NO2 / डेल्टा T। बट आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। सो द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 विल बी इक्वल टू डेल्टा NO2 / डेल्टा T। ये समझ आया बेटा, इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन जो आपने निकाला है × 4, इस 4 को इधर मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आपके पास आ जाएगा, डेल्टा NO2 / डेल्टा T इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन कितना निकाला है हमने। देखिए, अब आप इसमें से किसी में भी ले सकते हैं, मोल पर लीटर पर मिनट, मोल पर लीटर पर सेकेंड, या फिर मोल पर लीटर पर आवर्स की यूनिट में। लेकिन हमने सबसे पहले मिनट्स में निकाला था, तो हम यहाँ पे भी मिनट्स वाला आंसर ले लेते हैं, ओके। सो इट विल बी 6.79 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट × 4। कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 2.72 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट। सो दिस इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल, ओके। थैंक यू।